हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं लेसन प्लान के विषय में। सबसे पहले देख लेते हैं कि लेसन प्लान क्या है। तो लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू ए स्टेटमेंट ऑफ द अचीवमेंट्स टू बी रियलाइज्ड एंड द स्पेसिफिक मीन्स बाय विच दीज आर अटेंड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज एंगेज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कहने का तात्पर्य यह है, ये वसंत महोदय का कथन है कि पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियां एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि टाइम डिसाइड कर लिया जाता है और उस निश्चित समय में हमने क्या क्या क्रियाएं की हैं, ये जो है इसके परिणाम स्वरूप ये प्राप्त किया जाता है। पाठ योजना के निर्माण में अनेक प्रकार की अप्रोच प्रचलित हैं, जैसे कि हजवार्ट उपागम है, ड्यूबी तथा किलपैट्रिक अप्रोच है, मॉरिसन उपागम है और अमेरिकन उपागम, ब्रिटिश उपागम तथा इंडियन अप्रोच। यहाँ हमें देखना है लेसन प्लान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी अप्रोच। एनसीईआरटी अप्रोच के लेसन प्लान अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये जो है एक समय विशेष में शिक्षणीय ज्ञान का प्रारूप सावधानी पूर्वक तैयार कर लेते हैं। ये इस बात के भी सूचक होते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। इसकी पाठ योजनाएं लचीली होती हैं और नई परिस्थितियों में भलीभांति क्रियान्वित की जा सकती हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान तैयार करते समय सबसे पहले जो मुख्य बिंदु होते हैं वो सभी प्रकार के लेसन प्लान में डाले जाते हैं। तो जैसे कि लेसन प्लान नंबर, कौन सा लेसन प्लान नंबर है, मान लीजिए एक है तो एक अंकित कर देंगे, और डेट जो भी कक्षा डेट है जिस क्लास में लेसन प्लान को जिस तिथि में पढ़ाना है वह डेट अंकित कर दी जाती है। मान लीजिए आज 9 है तो यहाँ पर डाल देंगे 9 जून 2020, पूरी डेट डाल देंगे। यहाँ पर पूरी अंकित नहीं की गई है, आई कर देती हूँ। तो इस तरह से अंकित कर दी जाती है। सब्जेक्ट यानी कि गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान, अगर सब्जेक्ट है तो वही उसके हिसाब से सब्जेक्ट डाल दिया जाता है। नेम ऑफ द स्कूल और कॉलेज, यहाँ पर नाम, स्कूल का नाम या फिर जो भी कॉलेज है उसका नाम यहाँ पर डाल दिया जाता है। साथ साथ क्षेत्र भी डाल दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्र में एक ही पास पास साथ साथ दो विद्यालय होते हैं और क्षेत्र अलग अलग लगते हैं, तो इस कारण से क्षेत्र डालना भी अनिवार्य हो जाता है। इधर साइड दूसरी साइड हम देखते हैं कक्षा, यानी क्लास 7th का है, ये 7th के लिए तैयार किया गया है। सेक्शन ए बी सी कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि ये कक्षा में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो सेक्शन वाइज इनको डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड एन की घंटा। सामान्यतः स्कूल में 8 घंटे लगाए जाते हैं, तो जो भी घंटे में जिस घंटे में पढ़ाने जाना है तो उसके हिसाब से जो है घंटा अंकित कर दिया जाता है। ड्यूरेशन सबकी अलग अलग होती है, कहीं पर 30 मिनट का घंटा होता है उनकी कार्य प्रणाली के हिसाब से, जहाँ स्कूल चल रहा होता है उसी के हिसाब से ड्यूरेशन होती है, कहीं 40 मिनट की होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर अंकित कर देनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं सब सब्जेक्ट। जैसा कि हमने देखा था सब्जेक्ट होम साइंस, अब होम साइंस हो या दूसरे विषय हो सबकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, विषय होते हैं। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है विटामिन सी किसके अंतर्गत आ रहा है। तो हमारा जो विटामिन सी टॉपिक है वो पोषण के अंतर्गत आ रहा है, तो हमने यहाँ पर अंकित कर दिया है पोषण विज्ञान। अब हम देखते हैं टॉपिक हमारा विटामिन सी है, विटामिन सी टॉपिक हमने लिया है। अब हम आते हैं उद्देश्य की ओर, यानी कि उद्देश्य को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि उद्देश्य का क्या तात्पर्य है। किसी पाठ के पढ़ाने या पढ़ने से, यानी कि किसी भी पाठ के पढ़ने से छात्रों को क्या लाभ होंगे, उनकी कौन कौन सी शक्तियां विकसित होंगी, उन्हें किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, उद्देश्य की ओर इंगित करते हैं। एक टीचर के लिए उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के शिक्षण कभी भी सफल नहीं हो सकता। उद्देश्य स्पष्ट होने पर अध्यापक या जो भी छात्र अध्यापक है पाठ योजना का निर्माण भलीभांति कर सकता है। उद्देश्य के अनुसार वह पाठ विषय संबंधी सभी सामग्री एकत्रित भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सहायक सामग्री होती है उसको भी एकत्रित कर सकता है। उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही सही शिक्षण विधि का चुनाव किया जा सकता है। विधियां भी अनेक हैं, लेकिन सही शिक्षण विधि का चुनाव तभी किया जा सकता है जब हमें उद्देश्य पता हो। पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही अध्यापक जो संदर्भ संबंधी निर्देशन दे सकता है और शिक्षण कार्य भी सफलतापूर्वक कर सकता है। स्पष्ट उद्देश्य पाठ को भलीभांति जानने एवं समझने में सहायता देते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ के उद्देश्य पाठ योजना का महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए अध्यापक को ये पहले ही पता लगा लेना चाहिए कि किसी भी
पाठ विशेष को पढ़ाने पर छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आना चाहिए? ये परिवर्तन किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, यानी किस प्रकार के हो सकते हैं? तो इसमें क्या है, बालकों को वस्तु विशेष के विषय में समझाना, बालकों को योग्यता एवं दक्षता प्रदान करना, बालकों की रुचि बढ़ाना, बालकों को ज्ञान का उपयोग करना सिखाना आदि इस प्रकार से हो सकते हैं। या फिर सूचनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना, तो बालकों को किसी वस्तु विशेष के विषय में ज्ञान प्रदान करना ये हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमने उद्देश्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्यों के बारे में। सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि किसी विषय विशेष को पढ़ाने में हमारा क्या उद्देश्य रहा है। ये उद्देश्य किसी विषय विशेष के किसी भी पाठ को पढ़ाते समय सर्वदा सम्मुख रहना चाहिए, ये विषय से संबंधित रहते हैं, ये उद्देश्य निश्चित रहते हैं। अब यहाँ कुल मिलाकर ये बात ये है कि जैसे कि अब हमने ये टॉपिक लिया है विटामिन सी, तो विटामिन सी के लिए हमने सामान्य उद्देश्य क्या निर्धारित किए हैं? तो इसमें छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का समाहरण कर सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा मानव स्वास्थ्य व विकास के प्रति सजग हो सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा घर परिवार की जो देख रेख में पारंगत हो सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी। कहने का तत्पर्य ये आप देख रहे हैं इसमें कि गृह विज्ञान विषय ये प्रत्येक पंक्ति में आ रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कुल मिलाकर यही हो जाता है कि ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं विषय विशेष पर जोर देते हैं, विषय विशेष को लेकर ही चलते हैं। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जो प्रकरण यानी कि टॉपिक्स विशेष से संबंधित होते हैं। जो हमने टॉपिक लिया है विटामिन सी, अब मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो एक्स वाई जेड, उसी से संबंधित ही विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। तो प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। यदि आप मान लीजिए दूसरा मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जानवरों के विषय में यानी बीमारियों के विषय में उनकी पढ़ा रहे हैं, तो उससे संबंधित होंगे, उसके कारण बचाव आदि के विषय में आप समझाएंगे। अब यहाँ पर विटामिन सी है तो विटामिन सी के विषय में समझाया जाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक के अनुसार जो उद्देश्य है, छात्राएं विटामिन सी के विषय में समझ सकेंगी, छात्राएं विटामिन सी के विषय में बता सकेंगी, छात्राएं विटामिन सी की प्राप्ति के स्रोतों के विषय में जान सकेंगी, छात्राएं विटामिन सी की कमी से होने वाली हानियों के विषय में पारंगत हो सकेंगी, छात्राएं विटामिन सी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी और ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। अब हमारा पॉइंट आ जाता है प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि कितना ज्ञान है छात्राओं के लिए। पूर्व ज्ञान से तात्पर्य पठित वस्तु के साथ सभी प्रकार के पूर्व अनुभवों से है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए हमें प्रस्तुत पाठ एवं शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है विटामिन सी, तो हमने यहाँ पर पूर्व ज्ञान में लिखा है छात्राएं विटामिन सी के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं टीचिंग एड्स। उद्देश्य ये सब करने के बाद जो भी पॉइंट्स लिए थे अभी हमने, शिक्षण के प्रयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों के विषय में संक्षिप्त उल्लेख कर देना चाहिए। इन उपकरणों के लिखने का क्रम वैसे ही होना चाहिए जैसा कि हम प्रयोग करते जा रहे हैं लेसन प्लान में। तो यहाँ पर हमने क्या क्या दिया है, विटामिन सी हमारा टॉपिक है, उसी के हिसाब से सामान्य कक्षा का शिक्षण सामग्री ये तो सभी में रहती है, जैसे कि श्याम पट है, चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है, ये सारी वस्तुएं तो रहती ही हैं। वास्तु वस्तु यानी कि हरी मिर्च विटामिन सी के लिए हमें प्रदर्शित करनी है, नींबू संतरा या फिर जो चार्ट है उनको इसमें लिख देना चाहिए। लेसन प्लान के नेक्स्ट पॉइंट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।